ग्रेटर नोएडा बीटा पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गैंग के एक सदस्य विपिन को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी बाइक चोरी कर उन्हें कम दामों पर दूसरे राज्यों में बेच दिया करता था। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के पास से चोरी की गई 24 बाइक बरामद की है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो चोरी की 24 बाइक बरामद हुई हैं यूपी के ग्रेटर नोएडा से, जानकारी जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का खुलासा हुआ है और गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार भी किया गया। देखिए, पिछले कुछ दिनों में वाहन चोरी के जो गैंग्स हैं उन पर कार्रवाई हुई है, उसी में एक इंटर स्टेट गैंग है, उसको आज जो है नोएडा पुलिस द्वारा उसमें जो सम्मिलित सदस्य है उसको गिरफ्तार किया गया है। इसका नाम विपिन है, बुलंदशहर का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से 24 बाइक्स बरामद हुई हैं, जिसमें से 10 बाइक्स अलग अलग मुकदमों में अलग अलग स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स में कनेक्टेड हैं। 3 बाइक बीटा 2 में और एक सूरजपुर में, एक सेक्टर 20 में कनेक्टेड है। उसके अलावा 3 दिल्ली के अलग अलग थानों में कनेक्टेड हुई हैं, एक गाज़ियाबाद में और राजस्थान में भी ये बाइक्स कनेक्ट हुई हैं। इसका एक अन्य साथी है, शिवम है, जो कि इस समय वांछित है, उसको भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।